तो हेलो फ्रेंड, तो बायोलॉजी क्लासेज ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि नीट जेई 11th एंड 12th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जनरली हम लोग से पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग को डायरेक्ट जो है 4 नंबर नीट में मिल सकता है और जेई मेंस में डायरेक्ट नंबर ले सकते हैं। इसमें विदाउट टाइम वेस्टिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हम डायरेक्ट, अगर हमको ये पता हो, अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट निगेटिव हो जाता है या हमको छोड़ना पड़ता है। तो हम आज आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट जो सॉल्युबिलिटी रूल्स हैं वो एक जगह करके लेके आए हैं। आप लोग बस इसे एक जगह नोट कर लीजिए और एक जगह देख लीजिए एक बार, तो हम सब पूरे समझा देते हैं। उसके बाद एक जगह नोट कर लीजिए, 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, या वीडियो को कभी भी इंपॉर्टेंट लगे, मतलब अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो एक बार वीडियो को बस देख लीजिएगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो भी नहीं हो पाएगा और आपको पूरा का पूरा सॉल्युबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको ये 2-3 बार देखना है वीडियो, 2-3 बार देखने के बाद आपके माइंड में ऑटोमेटिक ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला देखिए सॉल्युबिलिटी रूल, इसमें कुछ रूल समझाए, जो मेन मेन रूल है वो हम इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप लोग बस ये रूल देख लीजिए क्या क्या रूल है। पहला रूल है द नाइट्रेट्स क्लोरेट्स एंड एसीटेट ऑफ ऑल मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। जो भी नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट क्लोरेट एसीटेट ऑफ ऑल मेटल, जितना भी मेटल का नाइट्रेट्स क्लोरेट एसीटेट ये जो जितना भी होगा सब सोल्यूबल इन वाटर हो जाएगा। लेकिन सिल्वर एसीटेट जो हो जाएगा वो स्प्रिंगली सोल्यूबल होगा, मतलब पूरी रूप से सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। सिल्वर एसीटेट ये याद रखिएगा, सिल्वर, एक मिनट, ये सिल्वर एसीटेट जो हो जाएगा वो स्प्रिंगली सोल्यूबल हो जाएगा। फिर देख लीजिए ऑल सोडियम पोटासियम अमोनियम साल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर। जितना भी होगा, जो सोडियम होगा पोटासियम होगा अमोनियम होगा, इसका जितना भी साल्ट होगा वो सब का सब सोल्यूबल इन वाटर हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, जितना भी सोडियम पोटासियम और ये अमोनियम साल्ट है सभी का सभी सोल्यूबल इन वाटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे क्लोराइड ब्रोमाइड्स आयोडाइड्स ऑल मेटल। इसमें याद आपको ये रखना है कि ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लीड सिल्वर एंड मरकरी, ये इस तीनों को छोड़ के लीड सिल्वर और मरकरी, या लीड सिल्वर और मरकरी, ठीक है, लीड सिल्वर और मरकरी इसको छोड़ के जितना भी होगा क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का मेटल का साल्ट जो भी है, और मेटल का साल्ट जो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सभी मेटल का साल्ट जो होगा वाटर में सोल्यूबल होगा। सिर्फ यही लीड सिल्वर और मरकरी का जो है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो होगा इसमें तीनों मेटल का ये सोल्यूबल वाटर में नहीं होगा और सब होगा। फिर एजुटी इनसोल्यूबल जो HgI2 होगा, याद रखिएगा ये इनऑर्गेनिक है, आपको याद ही करना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ यही है, बस ज़्यादा नहीं है, 5 से 7 पॉइंट है लगभग, और आपको बस ये 7 पॉइंट याद रखना है। ये HgI2 जो होगा ये इनसोल्यूबल इन वाटर होगा। PbCl2 PbBr2 PbI2 आर सोल्यूबल इन हॉट वाटर, और ये जो होगा ये भी याद रखना आपको, PbCl2 PbBr2 एंड PbI2 आर सोल्यूबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर होगा उसमें ही ये सोल्यूबल होगा, PbCl2 PbBr2 PbI2 इसमें नहीं होगा सोल्यूबल, किसमें, नॉर्मल वाटर में। तो वाटर इनसोल्यूबल क्लोराइड, वाटर इनसोल्यूबल क्लोराइड जो भी होगा, जैसे वाटर का इनसोल्यूबल क्या होगा, वाटर इनसोल्यूबल जो क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड हो गया, जैसे इसका हो गया ना तीन का, लीड सिल्वर और मरकरी, ये तीनों का जो है क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है। तो ये जो है डाइल्यूट एसिड जो होगा, डाइल्यूट एसिड उसमें भी डालेंगे तो उसमें भी इनसोल्यूबल ही होगा। तो आपको याद रखना है वाटर में इनसोल्यूबल जो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड है वो डाइल्यूट एसिड में भी इनसोल्यूबल ही होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है द सल्फेट ऑफ ऑल मेटल, मतलब मेटल जितना भी मेटल का SO4 है का जो सल्फेट है, SO4 जो होता है सल्फेट, जैसे लीड हो गया मरकरी हो गया बेरी एक्सेप्ट, यहाँ पे याद रखना है एक्सेप्ट लीड मरकरी बेरियम एंड कैल्शियम, ये चार का जो है सल्फेट को छोड़ के जितना भी सल्फेट होगा वो सब सोल्यूबल होगा, बस लीड मरकरी बेरियम और कैल्शियम इसको ही याद रखना आपको, इसका जो भी सल्फेट होगा ये सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, और सभी जितना भी मेटल का सल्फेट है सब सोल्यूबल है। सिल्वर सल्फेट इज स्लाइटली सोल्यूबल, सिल्वर सल्फेट है Ag2SO4, ये सिल्वर सल्फेट है ये स्लाइटली सोल्यूबल होगा, सिल्वर सल्फेट स्लाइटली सोल्यूबल हो जाएगा। इसको मैरेज कर लेते हैं, ठीक है,
उसके बाद जो है द वाटर इंसोल्यूबल सल्फेट आर आल्सो इंसोल्यूबल इन डाइल्यूटेड। और वाटर इंसोल्यूबल सल्फेट ही होगा, जैसे यहाँ पे वाटर इंसोल्यूबल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड है, उसी तरह वाटर इंसोल्यूबल सल्फेट आर आल्सो इंसोल्यूबल इन डाइल्यूटेड। जो वाटर में इंसोल्यूबल है, डाइल्यूट एसिड में भी इंसोल्यूबल है। तो चलिए ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सबको इरेज कर लेते हैं ठीक है ना। पांचवा पॉइंट ये है, जैसे कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट फॉस्फेट बोरेट एंड सल्फाइड, सल्फेट नहीं सल्फाइड SO3 टू द पावर -2। तो क्रोमेट हो गया एंड आर्सीनेट, ऑल मेटल एक्सेप्ट सोडियम पोटासियम अमोनियम आर इंसोल्यूबल इन वाटर। अब यहाँ पे इंसोल्यूबल वाला बात है, जितना भी है कार्बोनेट हो गया, कोई अंडरलाइन करना है। एक्चुअली होने पा रहा है यहाँ पे ये इरेज, ये आ जाता है। चलिए ठीक है, अभी बता देते हैं आपको, आप लोग ये दिमाग में रखिएगा। कार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, बोरेट हो गया, सल्फाइट हो गया एंड क्रोमेट हो गया, आर्सीनेट हो गया, इस सब का जितना भी मेटल का ये साल्ट होगा वो सब क्या होगा, इंसोल्यूबल इन वाटर होगा। लेकिन एक्सेप्ट सोडियम पोटासियम अमोनियम, सोडियम पोटासियम अमोनियम का जो साल्ट होगा वो क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो इंसोल्यूबल इन वाटर होता है, इसका जो है कार्बोनेट फॉस्फेट बोरेट सल्फाइड क्रोमेट एंड आर्सेनेट इंसोल्यूबल इन वाटर, बट ये डाइल्यूट एसिड में जैसे डालेंगे तो ये सोल्यूबल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, डाइल्यूट एसिड में इसको डालने के बाद ये सोल्यूबल हो जाता है। आप लोग को बस एक बार में तो आपको अच्छा से याद, एक बार में आपको समझना है, दूसरी बार फिर से आपको देखना है, तीसरी बार जो आप लोग देखिएगा, तीन बार इस वीडियो को प्ले कीजिएगा, आप लोगों को माइंड में ये आ जाएगा ठीक है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, ये क्या है, MgCrO4 मैग्नीशियम क्रोमेट है, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को, याद रखिएगा जो MgCrO4 सोल्यूबल इन वाटर, MgSO3 स्लाइटली सोल्यूबल, MgCrO4 सोल्यूबल होगा, पूर्ण रूप से सोल्यूबल होगा, कम्प्लीटली सोल्यूबल होगा, लेकिन MgSO3 स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर ठीक है। छठा पॉइंट है, द सल्फाइड्स ऑफ ऑल मेटल एक्सेप्ट बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटासियम अमोनियम आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये सल्फाइड है ये, यहाँ पे हम सल्फाइड कहते हैं, तो जितना भी मेटल है सबका सल्फाइड जो है इनसोल्यूबल होगा वाटर में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे भी, तो एक्सेप्शन आपको बताते हैं। एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, बेरियम कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटासियम एंड अमोनियम, इसको छोड़ के जितना भी मेटल का सल्फाइड होगा ऐसा लगा, तो वो हो जाएगा तुमको क्या हो जाएगा, आपको इंसोल्यूबल इन वाटर हो जाएगा ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं बेरियम सल्फाइड, जैसे बेरियम सल्फाइड कैल्शियम सल्फाइड मैग्नीशियम सल्फाइड, ये तीनों जो हो जाएगा ये आपको स्प्रिंगली सोल्यूबल हो जाएगा, फिर से यहाँ पे स्प्रिंगली सोल्यूबल, ये सल्फाइड का बात हो रहा है, सल्फाइड DE ठीक है। सेवन्थ है द हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम, हाइड्रोक्साइड का बात हो रहा है यहाँ पे, जैसे सोडियम का हो गया, पोटासियम हो गया, अमोनियम का हो गया, इसम का हाइड्रोक्साइड जो होगा वो पूर्ण रूप से वेरी सोल्यूबल इन वाटर, पूर्ण रूप से सोल्यूबल हो जाएगा, कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम बेरिलियम आर मॉडरेटली, मतलब ये मॉडरेटली सोल्यूबल हो जाएगा कैल्शियम और बेरियम का। और ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ऑल अदर मेटल, इसके अलावा जितना भी होगा ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मेटल का, वो सब कम्प्लीटली इनसोल्यूबल हो जाएगा वाटर में। तो आप लोग को बस इतना ही पॉइंट याद रखना ठीक है, आप लोग को बस मेन यही पॉइंट याद रखना है। आप लोग को और कुछ जो है एक नोट्स में हम बता देते हैं, जैसे इसका देख लीजिए, बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ एंटीमनी साल्ट हाइड्रोलाइज इन वाटर, ये हाइड्रोलाइज इन वाटर हो जाता है टू बेसिक साल्ट, ये जिसको बिस्मथ और एंटीमनी के साल्ट को जो हम हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर में, ये बेसिक साल्ट दे देगा ठीक है। दीज बेसिक साल्ट आर सोल्यूबल इन डाइल्यूट एसिड बट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, और ये बेसिक साल्ट जो होगा वो डाइल्यूट एसिड में सोल्यूबल हो जाएगा लेकिन वाटर में नहीं होगा सोल्यूबल ठीक है।
याद रखिएगा। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ आयरन, आयरन थर्ड जो हो जाएगा सॉल्यूशन आयरन थर्ड, लीड, टीन, मरकरी सेकेंड, कॉपर एंड एलुमिनियम सॉल्ट, व्हेन बॉइल्ड में हाइड्रोलाइज टू गिव प्रिसिपिटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड और बेसिक साल्ट ऑफ दीज मेटल्स। ठीक है, बेसिक साल्ट ऑफ दीज मेटल दे देगा। ठीक है, जैसे ये हो गया सोल्यूशन ऑफ आयरन, लीड हो जाएगा, टीन हो जाएगा, मरकरी सेकेंड, कॉपर एंड पोटासियम साल्ट, व्हेन बॉइल्ड में हाइड्रोलाइज गिव प्रिसिपिटेट हाइड्रोक्साइड बेसिक साल्ट ऑफ दीज मेटल। तो देख लीजिए, आप लोग को बस इतना ही याद रखना है, साल्ट के अलावा इससे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग बस इस तक को ध्यान रखना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आगे तो अगर ये चीज़ देखिए, हम इस सब को एक जगह करके आपको बताएं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आपको बस ये वीडियो को 2 से 3 बार प्ले करना है, एक बार में देखना है, एक बार में तो हमको लगता नहीं आपको याद हो पाएगा। एक फर्स्ट टाइम समझना है, सेकेंड टाइम याद करना है। इसमें जो है 50% समझना और 50% रट्टा मारना होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप लोग को बस यही करना है। और एक बात, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या कुछ कंटेंट सही लग रहा होगा कि हाँ ये है, तो आप लोग बस इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा ये मोटिवेशन मिले कि हम और आगे वीडियो बनाएं। ठीक है, तो बस हम आपसे यही चाहते हैं, आपके अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो फालतू का टाइम चल रहा है पोस्टपोन्ड, उस पर आप लोग कम ध्यान दीजिए और पढ़ाई पे लगे रहिए। जो भी होगा हम लोग मिलके देख लेंगे, जो भी होगा सबके लिए होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद फ्रेंड। बस ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी फर्दर नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज आएगा आगे के लिए पोस्टपोन्ड या कुछ भी, तो हम आपको डायरेक्ट जो फैक्ट न्यूज होगा वही आपके लिए लेके आएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय।